गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे कुछ वर्कआउट्स जिससे मुझे मेरे वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प मिला है एंड मैं उसे आज भी करती हूँ एंड ट्राई टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कुछ वर्कआउट्स शेयर किया था, 5 वर्कआउट्स, एंड आज भी मैं 3 वर्कआउट्स शेयर करने वाली हूँ। अगर ये वर्कआउट्स आप अपने डेली वर्कआउट रूटीन में डाल लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है एंड बहुत तेजी से आपकी वेट लूज होना शुरू हो जाता है। एंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप ये वर्कआउट्स ठीक तरह से कर सकते हो एंड आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सिर्फ 3 वर्कआउट्स मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। आपको ईच वर्कआउट 3 सेट्स जरूर करना है, मिनिमम 3 सेट्स आपको जरूर करना है, ये मिनिमम है गाइस। एंड बहुत अच्छा होगा अगर आप इनके 5 सेट्स लगा सको तो। अब सेट मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सेट बनता है एंड 1 सेट में आपको कुछ रेप्स करना पड़ता है, जैसे कि आप कितने टाइम वो वर्कआउट कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको 10 टाइम्स करना है तो 10 रिपीटेशंस में आपको जाके आपका एक सेट बनता है, जस्ट लाइक दैट। तो आपको इस तरह से मिनिमम 3 सेट्स इस वर्कआउट्स के करने हैं एंड जिसमें आपको लगाने हैं एटलीस्ट 15-20 रेप्स। ख्याल रखिए और करने की कोशिश कीजिए, खुद को पुश कीजिए। पता है एज अ बिगिनर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हम कर नहीं पाते हैं, बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है, बट ट्राई कीजिए और धीरे धीरे अगर आप 15 नहीं कर पाते वो कोई बात नहीं, 10 से शुरुआत कीजिए, 10 कीजिए, फिर 12 कीजिए, फिर 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए, ऐसे करके अपने जर्नी को एटलीस्ट शुरू कीजिए। एंड मैंने भी ऐसे ही किया था, सब ऐसे ही करते हैं गाइस। कोई पहला दिन जाके कोई ठीक से परफेक्टली कर नहीं पाता है एंड तो बस यही है। एंड मैं आपको बता चुकी हूँ मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। आई वॉज 85 केजीज एंड टूडे आई वे ओनली 49 केजीज। मैं एक नेचुरल वे से वेट लूज करना चाहती थी, कोई भी सप्लीमेंट्स या कोई भी क्रैश डाइट के सहारा मैंने कभी नहीं लिया। जो भी किया मैंने बहुत साइंटिफिकली एंड बहुत नेचुरली किया है एंड रेगुलर वर्कआउट करती हूँ मैं एंड एक अच्छा डाइट भी लेती हूँ साथ साथ। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है, कोई इसमें ज्यादा कुछ एक्सपेंसेस भी नहीं है। तो अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड मैं बता दूं आपको, कोई भी क्रैश डाइट से आपको जो झट से जो रिजल्ट मिलता है, आपको देखने को मिलता है एंड बहुत खुश हो जाते हो ना, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, आप उसे ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि इस तरह की डाइट से हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है एंड हमारी बॉडी धीरे धीरे मैल न्यूट्रिशन में चला जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इन सब में मत जाइए, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है आपके शरीर के लिए। सो आपको एक नेचुरल वे हमेशा अपनाना चाहिए। मैं ये सब कर चुकी हूँ एंड अब तक करती हूँ एंड आई होप कि मैं मेरी ये जर्नी आप लोगों से हमेशा के लिए शेयर करते रहूंगी। मैं जो भी करती हूँ मैं आपको सब बताने वाली हूँ, तो धीरे धीरे वन बाय वन। एंड पता है आप लोगों ने कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम डाइट शेयर कीजिए, वेट लूज डाइट शेयर कीजिए, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं वो भी करूंगी बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम, सो सॉरी फॉर दैट। पर अभी मैं आप लोगों के साथ वो वर्कआउट शेयर करूंगी जिससे मुझे बहुत अच्छा मैजिकल रिजल्ट मिला है एंड यू कैन इमेजिन राइट कि मैं आई वॉज 85 केजी, देन आई लूज 36 केजीज बिकॉज आई एम नाउ 49 केजीज। तो एंड मुझे मैं वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, आई हैव सम पेयर ऑफ डंबल्स, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेल मी। मुझे बॉडी वेट ट्रेनिंग से ज्यादा वेट ट्रेनिंग में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों, बट या आई एंजॉय अलॉट।
सो बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको हमेशा बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ ही अपना वर्कआउट रूटीन स्केड्यूल करना चाहिए एंड शुरू करना चाहिए, क्योंकि फर्स्टली हमें अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है, अपने जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब हम वर्कआउट में नहीं होते हैं, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं डेली, तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा स्टिफ होता है एंड हम कुछ भी उल्टा सीधा करने जाएंगे तो उसका बहुत ही खतरनाक असर पड़ सकता है. सो डोंट डू दैट. आप बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ ही शुरू कीजिए, ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा असरदार है. वेट लूज झट झट से होता है, पर वेट ट्रेनिंग से मैं बता दूं और भी ज्यादा तेजी से होता है, यू नो, बहुत वो और भी ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है एंड आपको मसल गेन करने में भी बहुत मदद करता है. सो या, और एक मिथ है वेट ट्रेनिंग को लेकर कि स्पेशली इन विमेन्स, कि आप अगर डंबल्स पकड़ते हो तो आप लुक लाइक अ मैन, इट विल स्टार्ट टू लुक लाइक अ मैन. तो देखिए, ये सब बिल्कुल बेकार बकवास बातें हैं, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए. और मैन और वोमन क्या होता है यार, मतलब बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जिनके फिगर एक मतलब एक मेल से भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत मस्क्यूलिन है एंड वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है. तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक औरत हो, एक लड़की हो तो आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते. वेट ट्रेनिंग अगर आप फिटनेस में इंटरेस्टेड हो तो आपको पता ही होगा कि आजकल तो हर एक फिटनेस एक्सपर्ट आपको वेट ट्रेनिंग करने की सजेशन देता है. तो वेट ट्रेनिंग करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे और भी तेजी से आपकी वेट लूज होता है, आपकी मसल जो है वो गेन होता है एंड बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाती है. बहुत बहुत अच्छा है, मतलब इट्स ग्रेट. पर कोई बात नहीं, अगर आप अभी से ये सब नहीं करना चाहते तो स्टार्ट विथ बॉडी वेट ट्रेनिंग एंड आई हैव ऑल्सो डन दैट. तो इसी से शुरू कीजिए, पर धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि हल्का सा वेट लेकर आप वर्कआउट करना शुरू करो. एंड तो चलिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ और 3 वर्कआउट्स जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला था एंड मैं आज भी करती हूँ. ऑन नॉट मैं हर रोज नहीं करती क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ. तो मेरे वर्कआउट रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किसी और दिन. तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 3 वर्कआउट्स जिससे आपकी वेट झटपट कम हो जाएगी अगर आप इसे अपने डेली वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करोगे एंड जैसे मैंने बताया वैसे ही करोगे. दिस इज माई गारंटी, मुझे रिजल्ट मिला है यार, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. ऐसा कुछ नहीं है मैंने कुछ देख लिया, कुछ पढ़ लिया, उससे वो सब मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. जिससे मुझे रिजल्ट मिला है मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ और ऐसे ही करती रहूंगी. तो चलिए अब शुरू करते हैं वर्कआउट्स. तो हमारा पहला वर्कआउट है जंपिंग जैक. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा. पिछले वीडियो में मैंने ऐसे कुछ वर्कआउट्स दिखाई थी जहां पे आपको जंप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, पर अगर आप वो करना शुरू किया है, आपने वो करना शुरू किया है तो आपको अब तक तो हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी आ ही गई होगी एंड थोड़ा सा जंप करने से, यू नो व्हाट, मैं जब 85 केजीज की थी तब मेरी बॉडी भी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, पर जंप करने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, बट फिर भी मैं करती थी 5, 10, 15, मतलब जितना हो सके उतना मैं ट्राई करती थी, पुश करती थी खुद को, चलो एक और कर लेते हैं और एक ऐसे करके मैं एक एक करके बढ़ाती थी. तो आपको भी ऐसा ही करना है. अगर आप 5 करके थक जाते हो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 5-10 सेकंड रेस्ट कर लो, फिर 5 करो. ऐसे करके पहले अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ और फिर स्केड्यूल बनाओ कि कितने करना है, कैसे करना है, फिर शुरू हो जाओ. ओके, तो देखिए, और ये वर्कआउट करने में आपको ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट लग जाएगा अगर आप ठीक से करते हो तो, ज्यादा रेस्ट नहीं करते हो तो. और ज्यादा रेस्ट करने से क्या होता है कि जो वर्कआउट हमने इतनी स्ट्रगल के साथ किया था उसका असर थोड़ा कम हो जाता है. तो अगर आप असर
जल्दी पाना चाहते हो और दिखना चाहते हो तो वेट टाइम को थोड़ा सा खींचो, बांधो, उस थकान को रहने दो, उसके साथ ही आप नेक्स्ट वर्कआउट पे जंप करो। ओके, तो या हमारी पहले वर्कआउट है जंपिंग जैक्स, जिससे हमें थोड़ा सा जंप करना है। और ऐसे करके पहले अपने दोनों पैर को ऐसे जंप कीजिए और उसके साथ ही आपके दोनों हाथ भी सिमिलरली ऊपर जाना चाहिए और फिर एक साथ ही सब हम ऐसे जुड़ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जस्ट लाइक दैट। बहुत सिंपल है, आप पॉज करके भी देख सकते हो। एंड और एक बात, ये तो है बिगिनर के लिए, जो सॉरी जिसने अभी अभी शुरू किया है। अगर आप एक इंटरमीडिएट हो तो आपको और भी फास्ट करना है, जैसे कि ऐसे। आई होप कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ईच वर्कआउट के मिनिमम 3 सेट्स लगाने हैं, जिसमें आपको रखने हैं 15 टू 20 रेप्स या एंड हर एक वर्कआउट के बीच आप 30 सेकेंड से ज्यादा रेस्ट मत कीजिए। बॉडी वेट ट्रेनिंग है, अगर वेट ट्रेनिंग है तो उसमें और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, बट बॉडी वेट ट्रेनिंग में 30 सेकेंड से ज्यादा वेट नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है स्टैंडिंग नी टू एल्बो, मतलब आपको ऐसा खड़ा होना है जस्ट लाइक दैट इन स्क्वाट पोजिशन। कोर को अंदर खींचिए, कोर को ऐसे मत रखिए, आपकी बॉडी ऐसे नहीं लगनी चाहिए। यू हैव टू टाइट योर कोर एंड स्क्वीज योर बॉट, अंदर से खींच लेना है एंड देन हाथ ऐसे अपने सर के पीछे रखिए एंड देन आपको ऐसे ऐसे मतलब आपके ऑपोजिट नी एंड एल्बो को करीब लाना है। अगर टच कर सको तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है, बट शुरू शुरू में हम टच नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वेट एंड ऑल दैट फ्लेक्सिबिलिटीज इश्यूज, आई नो। बट जितना हो सके आप जितना कर सको ऐसे करके आपको ये करते जाना है। तो यू वांट यू कैन डू इट विथ मी। ये एक ऐसी वर्कआउट है जिससे आपकी कोर पर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी हैंड्स भी मूव करते हैं एंड आपकी लेग्स भी। एक फुल बॉडी वेट वर्कआउट है ये, बहुत ज्यादा अच्छा है, कमाल का है। आप कोशिश कीजिए। मैंने जब शुरू किया था तब मैं 50 टू 60 रेप्स लगाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती थी गाइस। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं गिर जाऊंगी ऐसा लगता था, बट ऐसे कुछ नहीं होता है गाइस। ये एग्जॉस्टन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है एंड अच्छा भी है। सो इससे डरिए मत, इसे एक्सेप्ट कीजिए एंड कंटिन्यू। देन हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है माउंटेन क्लाइंबर। इसका नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस ऐसे हमें प्लैंक पोजीशन पर आना है। और मैंने पहले भी कहा है कि इस पोजीशन में आपको ख्याल रखना है कि ऐसा मत कीजिए अपने शरीर को, और फिर ऐसा भी मत कीजिए, ये दोनों ही गलत है। आपको अपनी कोर
को खींचना है एंड बट्स को खींचना है, अपनी अंदर खींचना है. एंड यू हैव टू टाइट योर कोर एंड बट्स एंड देन लाइक यू आर रनिंग और यू आर क्लाइंबिंग. One by one, just like that. तो ये एक कमाल की वर्कआउट है. मतलब दिस वर्कआउट्स कैन क्रिएट अ मैजिक इन योर हेल्थ. सो प्लीज डू ऑल ऑफ दिस वर्कआउट्स एंड ट्राई टू मेंटेन द करेक्ट पॉस्चर. अगर आपके पॉस्चर ठीक नहीं होगा ना तो आपको चोट भी लग सकता है. एंड जो असर दिखने के लिए आप इतना कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी आपको ठीक तरह से देखने को नहीं मिलता है. यही वजह है कि लोग वर्कआउट्स तो करते हैं कई कई लोग, बट आपने कई बार सुना होगा कि करती तो हूँ बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्या पता होता नहीं है कुछ. एक तो वो ठीक तरह से करते ही नहीं है, दूसरी तरह डाइट्स है जिसे हम ध्यान में नहीं रखते हैं. And the third thing is वो ठीक posture maintain नहीं करते हैं. And breathe in and breathe out को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए. मैंने पहले भी कहा है जब आप एक workout के बीच आप tough position में होते हो जिससे करने में हमें difficulty होती है, difficult position में हमको सांस छोड़ना है and easy position में हमें सांस लेनी है. You have to breathe in then and when you are in difficult position you have to breathe out. That's the method. In every workout, whatever it is. तो या एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस वर्कआउट को मैनेजर से दिखाए धीरे धीरे कीजिए ऐसे. एंड अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा बहुत बढ़ गया है तो अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए. चाहते हो ना कि लॉन्ग रन में आपकी फिजिक एंड हेल्थ अच्छी रहे लॉन्ग रन, तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा गाइस. इससे दूसरा कोई ऑप्शन से नहीं है हमारे पास, यू नो व्हाट. सो या डू इट राइट नाउ, स्टार्ट इट राइट नाउ. तो गाइस ख्याल रखिए कि आप अच्छे पोस्चर मेंटेन कर रहे हो, ठीक से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो एंड इस वर्कआउट्स को आप जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी 5 वर्कआउट्स एंड नाउ 3 वर्कआउट्स, मैं और भी बहुत सारे वर्कआउट्स आपको दिखाने वाली हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियोस में. तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह की यूजफुल हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहे. मैंने पिछले वीडियो में एक डाइट प्लान शेयर किया था जिससे कि आपकी इम्यूनिटी ग्रो करेगी. इम्यूनिटी इज द मेन थिंग राइट नाउ. सो या आप उसे देखिए एंड उसमें मैंने बहुत सारे न्यूट्रिशियस फूड्स के बारे में कहा है एंड कब आपको क्या खाना चाहिए वो सब मैंने डिटेल में बताई है. सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा. तो आई विल शेयर द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हो तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए. तो मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.